चलो गोवा के मंदिर के भजन प्रोग्राम में भी हम शामिल हो गए हैं। तो अगर मना कर देते हैं फिर अपन के लगेंगे बराबर वाले। दर्शन तो मैंने कर लिए है पहले ही, अभी मुझे ढूंढना है और आज रात रुकने की जगह। तो ये तीनों ओर मंडोवी रिवर है और बीच में है आइलैंड जिसका नाम है दीवार आइलैंड। नहीं देख के आ गया हूँ बासलिका बॉम चर्च, गोवा की सबसे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में उसका नाम आता है। और अभी मुझे जाना है दीवार आइलैंड, तो उसके लिए फेरी टर्मिनल पे मुझे जाना है। तो एक गांधी सर्कल है, वहाँ से नीचे जाओगे तो मिल जाएगा आपको दीवार आइलैंड की फेरी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ दीवार आइलैंड पे, और जिस फेरी में मैं आया था वो फेरी अभी वापस जा चुकी है ओल्ड गोवा की ओर। तो मतलब दीवार आइलैंड पे आने के लिए फेरी चलती है ओल्ड गोवा से दीवार आइलैंड की। तो बेसिक आप पूरे दिन चलती रहती है फेरी और फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है गोवा गवर्नमेंट की ओर से, तो आपको कुछ पे नहीं करना होता है। और अभी मैं आगे जाऊँगा शायद आइलैंड पर पहुँचते ही ऐसा कुछ पॉइंट है जहाँ पर बस भी खड़ी रहती है, तो अगर आपको आगे जाना है आइलैंड पे तो बस आगे तक चलती है। तो ये तीनों ओर मंडोवी रिवर है और बीच में है आइलैंड जिसका नाम है दीवार आइलैंड। चलो तो फिर ऊपर की ओर चलते हैं, बहुत ही शांत किस्म का आइलैंड है, यहाँ पर व्हीकल की भी आवाज़ नहीं आ रही है कोई भी। अभी मुझे ढूंढना है और आज रात रुकने की जगह, अगर कोई टेंट लगा के कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर देखना पड़ेगा कि क्या करता है क्या करें। और अभी आ गया है चर्च, तो कुछ ऐसा रास्ता है गणेश टेम्पल पर जाने का भाई साहब, मतलब जो ये पीछे चर्च है वहाँ से ही एक छोटा सा गेट है, मतलब पगडंडी टाइप बनाया गया है, तो वहाँ से ही गणेश टेम्पल में आप जा सकते हो। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है, ये
यहाँ पर तो ताला लगा है। अभी कहाँ सोए, यहाँ पर एक मौसी है, उसको पूछ सकता हूँ। तो मौसी ने मंदिर तो ओपन कर दिया है, तो अभी मैं मंदिर का वीडियो बना लेता हूँ पहले, और बाद में पूछता हूँ उसको। मौसी को हिंदी नहीं आती है, तो किसको पूछूँ कि यहाँ पर सो सकते नहीं सो सकते। चलो मंदिर में मतलब अलग शांति होती है ना, चर्च मंदिर वगैरह में। यह है गणेश भगवान की मूर्ति, यहाँ पर दिए भी जल रहे और यहाँ पर भी भगवान की मूर्तियाँ है। नहीं नहीं, तो ये है यहाँ का गणपति का मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? गणपति गोलती, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, लेकिन गणपति भगवान का मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है। और बहुत ही शांत जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ, इतनी शांत, बहुत शांत है। हाँ यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, ओम श्री शक्ति विनायक देवस्थान नावेली दिवाड़ी गोवा। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ ऊपर लिखा है, मतलब हम जिसको दीवार आइलैंड बोलते हैं वो यहाँ के लोग बोलते हैं दिवाड़ी। तो अभी मंदिर पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, अभी सोने का इंतज़ाम करना है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो मुझे वापस फेरी लेके पंजीम जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर मौसी से बात करूँ तो शायद वो थोड़ा सा भी समझ जाए तो मुझे मिल जाएगा सोने का। यहाँ पर एक घर है, लेकिन घर पर डायरेक्ट जाके तो नहीं पूछूंगा मैं। वैसे यहाँ पर भी मस्त जगह है, टेंट लगा के सो सकते हैं आराम से। तो चलो अभी मैं सोने का इंतज़ाम करता हूँ, अगर कुछ अपडेट होता है तो बोलता हूँ। बाकी दर्शन तो मैंने कर लिए है पहले ही। Few moments later. तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ कि नहीं रुक रहा हूँ। बात हुई वैसे एक बंदे से, एक काका है उनसे, तो उसने बोला कि कमेटी का एक मेंबर आएगा, उनसे मैं बात कर लूँगा, शाम को बताता हूँ तुझे, अगर मिल जाएगा रुकने को तो ठीक है, वरना वो 9 बजे पता चलेगा। और लास्ट बस ओल्ड गोवा की 8 बजे है, मतलब यहाँ से वो फेरी तक, फेरी तो रात को चलती रहती है, लेकिन यहाँ से फेरी तक जाने की बस 8 बजे है। तो अगर मना कर देते हैं फिर अपन के लगेंगे बराबर वाले, क्योंकि फिर तो कहाँ जाएंगे पता नहीं, और अंधेरा भी एकदम हो चुका होगा। फिर भी देखते हैं, अगर कुछ होता है रुकने का तो ठीक है, वरना जुगाड़ तो कुछ ही ना कुछ तो कर ही लेंगे, अभी निकले हैं घर से तो। Few moments later. अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और अभी मैं वो मंदिर पे ही हूँ। तो चलो गोवा के मंदिर के भजन प्रोग्राम में भी हम शामिल हो गए हैं। जैसे गुजरात में प्रोग्राम होते हैं वैसा ही भजन मंडली का प्रोग्राम है, तो शायद आवाज़ तो कम सुनाई दे रही होगी लेकिन भजन सुनाई दे रहे होंगे। तो मैंने सोचा नहीं था यह भी कि मैं गोवा जाके कोई गाँव में रुकूँगा, मतलब गाँव में नहीं आइलैंड पे रुकूँगा, और आइलैंड के मंदिर में भजन का प्रोग्राम में शामिल होगा। बाहर अगरबत्ती वगैरह लगा,
ऐसा प्रोग्राम है अभी यहाँ पर, बहुत मस्त वाला प्रोग्राम। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज मंदिर में धीरे बोलना चाहिए। Few moments later. तो रात के बज चुके हैं 10 और यहाँ पर जो मंदिर में जो भजन का प्रोग्राम था वो हो चुका है ख़त्म। सब अपने अपने घर को लौट गए हैं और अब भी अपन भी अपना घर बनाएंगे। आशियाना तो अपने साथ ही है और जाएंगे सो। तो बस आज के लिए इतना ही। I know the sadness that cripples you, it comes in waves and out of the blue, but there are days you'll feel freedom too. चलो तो हमारा आशियाना बीत चुका है, अभी हम जाते हैं सोने। गुड बाय एंड गुड नाइट।